हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक मेक मस्ती में। आज हम एक नई बात सीखेंगे कि हीट लोड कैलकुलेट कैसे करते हैं। जब भी अपन परफेक्ट एयर कंडीशनिंग करने की बात करते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए कि अपने रूम के लिए कितने साइज़ का एसी अपने को ज़रूरी है, जिससे अपने रूम में प्रॉपर कूलिंग हो सके। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले सीखना होगा कि कमरे में हीट ऐड किस तरह से होती है। कमरे में हीट जितनी हीट ऐड हो रही है, उसको अपने को बाहर निकालने के लिए उतने ही टन का या उतने साइज का एसी की ज़रूरत पड़ती है अपने को। तो आज का अपना जो फर्स्ट पॉइंट हम सीखेंगे वो है कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है। तो हीट ट्रांसफ़र के, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, बेसिकली तीन तरीके हैं अपने पास। फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकेंड इज कॉन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। तीनों हीट ट्रांसफ़र के मेथड्स को अलग अलग एक्सप्लेन कर रखा है। तो कंडक्शन क्या होता है, जैसे हम डायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र होती है मास कांटेक्ट के थ्रू, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रही है। और कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के मास मोशन के कारण जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो कन्वेक्शन होती है। एंड थर्ड है अपना पॉइंट रेडिएशन। रेडिएशन बेसिकली वो हीट होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण ट्रांसफ़र होती है, तो उसको हम रेडिएशन बोलेंगे। अब अपनी जो यूनिट होती है वो नॉर्मली हम जो इंटरनेशनल यूनिट है उसको हम बोलते हैं BTU। BTU मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट होती है। एक BTU उतने अमाउंट की हीट होती है, जो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अपने 1 पाउंड वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अपने को इंक्रीज करने के लिए कितने अमाउंट की हीट की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम बोलते हैं 1 BTU। नेक्स्ट पॉइंट अपना ह्यूमन कम्फर्ट। बेसिकली ह्यूमन कंफर्ट जो है, ये ESRA की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अलग अलग एज के लोगों को अलग अलग टाइप की कंफर्ट कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन नॉर्मली अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो वो 78 डिग्री फ़ारेनहाइट होता समर के लिए एंड 68 डिग्री फ़ारेनहाइट होता विंटर के लिए। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए होती है अपने को 30-40%, जिसके बीच में कोई भी ह्यूमन कंफर्ट फील करता है। आइए अब अपन देखते हैं कूलिंग लोड कंपोनेंट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने एक रूम का डायग्राम बना हुआ है, और इस रूम में बेसिकली हीट किन किन कारण से ऐड हो रही है वो एक्सप्लेन कर रखा है। तो जैसा कि आप सबसे पहले ऊपर की तरफ देखोगे तो रूफ़ दिखा रखी है। तो रूफ़ के थ्रू, जैसा कि आप जानते हैं कि अपना सन होता है, वो नॉर्मली रूफ़ के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है। जितना अपना रूफ़ का एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया से जितनी हीट रेडिएशन के कारण ट्रांसफ़र होगी रूम में, वो होती है रूफ़ के कारण हीट ट्रांसफ़र होती है। सेकंड, आप साइड में देखोगे तो सन का डायग्राम बना हुआ है और एक विंडो दिखा रखी है। जैसे कि ग्लास को हम यूज लेते हैं विंडो के लिए, तो ग्लास का हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट होता है वो सबसे हाई होता है। नॉर्मली ग्लास का हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट प्लेन सरफेस के लिए हम 1 मानते हैं, मतलब जितने हीट बाहर है वो कम्प्लीट की कम्प्लीट हीट अंदर रूम में ऐड कर देगा। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, ग्लास के अंदर पर्दे वगैरह या कुछ और चीज़ें लगाते हैं, तो इसके कारण हीट कम ट्रांसफ़र होती है, जिसके कारण उसका हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट की वैल्यू वो 0.56 नॉर्मली हम अज्यूम करते हैं, ताकि अंदर की तरफ वेनेशन ब्लाइंड्स हैं। एंड थर्ड इज दो ग्लास लगा रखा उस दीवार के कारण, उस दीवार में से कितनी हीट ट्रांसफ़र होती है वो होती है हीट ट्रांसफ़र थ्रू द वॉल। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं साइड में एक इनफिल्ट्रेशन लिखा हुआ है। इनफिल्ट्रेशन वो हीट होती है जो लीकेज के कारण या फिर जो विंडो और डोर्स के बीच में जो गैप होता है उसके कारण जो हीट रूम में ऐड हो रही है, या फिर उन लीक्स के थ्रू रूम में से ठंडी एयर बाहर की तरफ जा रही है, वो होता है अपना बेसिकली इनफिल्ट्रेशन। एंड फोर्थ पॉइंट इज पीपल। रूम में जितने नंबर ऑफ पीपल्स आप बैठे हैं, उसके कारण भी अपनी बॉडी एक कंटिन्यूसली हीट जनरेट करती रहती है, तो वो हीट भी बेसिकली रूम के अंदर ही ऐड होती है। नेक्स्ट इज लाइट्स। आप सभी जानते हैं कि अपने को रूम में लाइट की ज़रूरत पड़ती है कुछ भी काम करने के लिए, देखने के लिए, तो लाइट भी एक तरह का अपने पास हीट सोर्स है। लाइट कंटिन्यूसली हीट जनरेट करती है। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट्स। जो भी रूम में आपके कंप्यूटर रखे हुए या फिर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रखा हुआ अगर चल रहा है, तो वो भी कंटिन्यूसली हीट को इमिट करेगा, तो वो हीट भी अपने एयर कंडीशन सिस्टम को ही बाहर निकालनी होती है। नेक्स्ट इज फ्लोर। आप बॉटम में देख सकते हैं डायग्राम के फ्लोर। अगर अपने किसी फ्लोर पे घर बना हुआ है, बेसिकली ग्राउंड फ्लोर पे जब अपना घर होगा तो फ्लोर से अपने पास कोई हीट नहीं आएगी, लेकिन अपना किसी फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे हीट है, तो अपना जो फ्लोर है नीचे उसके कारण भी अपने हीट ट्रांसफर रूम में होती है। एंड नेक्स्ट इज पार्टीशन वॉल। पार्टीशन वॉल वो वॉल होती है जो डायरेक्टली एटमोसफेयर के कॉन्टेक्ट में नहीं है, या फिर उस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है। जैसे इस साइड में कोई दूसरा रूम बना हुआ था, उसके कारण उसको हम पार्टीशन वॉल बोलते हैं।
तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कंडक्शन के थ्रू रूम में हीट कैसे ऐड होती है। आपके सामने स्क्रीन पर आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है, क्यू इज इक्वल टू यू इंटू ए इंटू डेल्टा टी। क्यू होता है अपना जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट अपने रूम में ऐड हुई है। यू नॉर्मली होता है हीट ट्रांसफर कोफिशेंट ऑफ द सरफेस। मान लीजिए आपके सामने कोई दीवार है और उस दीवार में से हीट ट्रांसफर होकर अंदर की तरफ आ रही है, तो उस पर्टिकुलर दीवार दीवार का जो हीट ट्रांसफर कोफिशेंट है वो उसकी वैल्यू होती है यू। नॉर्मली दीवार के लिए ये वैल्यू होती है 0.36। नेक्स्ट हम अपना एरिया एरिया ऑफ द सरफेस, अपने दीवार का एरिया कितना है जिसमें से हीट ऐड हो रही है। मान लीजिए अपने रूम की दीवार है वो 10 बाय 10 की है, तो अपना जो एरिया है वो हो गया 100 स्क्वायर फीट हो गया। नेक्स्ट है डेल्टा टी। डेल्टा टी होता है टेम्परेचर डिफरेंस, अपने रूम के अंदर कितना टेम्परेचर है और अपने रूम के बाहर कितना टेम्परेचर है, इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं डेल्टा टी। और यू फैक्टर को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, सिंपली यू इज इक्वल टू 1/r टोटल। आर होता है थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द वॉल, जैसे अपने रूम में कितना रूम की दीवार का जो थर्मल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, उसके हिसाब से वो अपने यू वैल्यू निकाल सकते हैं। नॉर्मल 8 इंच ब्रिक वॉल के लिए हम जो यू फैक्टर की वैल्यू लेते हैं वो होती है 0.36। नेक्स्ट पॉइंट है अपना सनलाइट सर्फेसेस। जैसे अपने रूम में सन के थ्रू जो हीट ऐड हो रही है उसके लिए अपने पास फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू यू इंटू ए इंटू सी एल टी डी। सी एल टी डी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कूलिंग लोड टेम्परेचर डिफरेंस। ये वो टर्म है जो अपने रूम में कितनी हीट ट्रांसफर हुई है वॉल्स और विंडोज़ के कारण जो एक्सटीरियरली एटमोसफेयर में ओपन है, उनको कैलकुलेट करने के लिए हम टर्म काम लेते हैं सी एल टी डी। नेक्स्ट पॉइंट अपना सोलर रेडिएशन थ्रू ग्लास। ग्लास एक ऐसा पार्टिकल जिसके थ्रू अपने रूम में मैक्सिमम हीट ऐड होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी ग्लास डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में ओपन है, तो उसके कारण अपने पास मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होती है। और उसके लिए फॉर्मूला है अपने पास ए इज इक्वल क्यू इज इक्वल टू ए इंटू एस सी इंटू एस सी एल। क्यू आपके रूम के में कितनी हीट ऐड हो रही है वो हो गई, ए उस पर्टिकुलर सन का सॉरी ग्लास का एरिया हो जाएगा, एंड एस सी होता शेडिंग कोफिशियंट एंड एस सी एल होता सोलर कूलिंग लोड फैक्टर। आइए हम एक्सप्लेन करते हैं एस सी को। एस सी वैसे होता है शेडिंग कोफिशियंट, इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों अपने जो ग्लास है वो कितना उसका शेडिंग कोफिशियंट की वैल्यू कितनी है। नॉर्मली ये तो अगर उसके ऊपर कुछ पार्टिकल आ रहा है जिसके कारण हीट को वो अवॉइड कर रहा है रूम में ऐड होने से, तो उसके ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एस सी की। नेक्स्ट पॉइंट अपना इंटरनल हीट गेन। जिस रूम का अपन हीट लोड कैलकुलेट कर रहे हैं उस रूम में रूम के अंदर से कितनी हीट रूम के अंदर ऐड हो रही है, तो बेसिकली अपने पास तो उसके लिए 4 पॉइंट्स हैं। एक फर्स्ट इज पीपल, सेकंड इक्विपमेंट्स, थर्ड अप्लाइंसेस एंड फोर्थ लाइट्स। आइए हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं उनके कारण रूम में हीट ऐड कैसे होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं अपने बॉडी में मेटाबॉलिज्म के कारण हीट अपने बॉडी जनरेट करती है, तो उसके जो 60% हीट होती है वो कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू एटमोसफेयर में आती रहती है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है एक तरह से। और जो 40% है वो हम रेस्पायरेशन और पेस्पायरेशन के थ्रू रूम में ऐड करते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है अपने पास वो होता है क्यू एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल इंटू सेंसिबल हीट गेन पर पर्सन इंटू सी एल एफ। रूम में कितने लोग हैं उनका सेंसिबल हीट गेन हर एक पर्सन का कितना है, और सी एल एफ होता है कूलिंग लोड फैक्टर। तो उससे अपन जो नंबर ऑफ पीपल के कारण जो हीट ऐड हुई है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही जो इक्विपमेंट्स हैं जो अप्लाइंसेंस और लाइट्स हैं उनके कारण जो हीट अपने रूम में ऐड हो रही है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला आप लाइट का देख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू बी टी यू पर आवर इंटू बालेस्ट फैक्टर इंटू सी एल एफ। बालेस्ट फैक्टर की वैल्यू होती है नॉर्मली 1.2 फ्लोरोसेंट लाइट के लिए और 1 होती है इंसिडेंट लाइट के लिए, तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन वो हीट होती है जो रूम में या विंडोज़ के बीच में जो लीकेज के कारण जो हीट ट्रांसफर होती है उसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। उसका फॉर्मूला है क्यू सेंसिबल का 1.085 इंटू एयर फ्लो इंटू डेल्टा टी। और वैसा ही आप देख सकते हैं लेटेंट हीट के लिए फॉर्मूला आपको दिखा रखा है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हीट लोड कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने अपने कंप्यूटर में एक एक्सेल में शीट बना रखी है जिसमें फॉर्मूला सेट कर रखे हैं। आप भी सेम ऐसी शीट अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर तैयार कर सकते हो जिससे हम हीट लोड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने लेफ्ट साइड पर देख सकते हो प्रोजेक्ट नाम लिखा है, मैंने लिखा है MSME प्रोजेक्ट। फिर आप उसका एड्रेस डाल सकते हो और आप स्पेस डाल सकते हो आपको कौन से पर्टिकुलर स्पेस के लिए हीट लोड निकालना है, उसका नाम आ जाएगा वहाँ पे। फिर आप उसके आगे देख
तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि हीट लोड को कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैंने एक एक्सेल शीट बना रखी है जिसमें वैल्यूज पुट करके मैंने एक शीट बना रखी है जिसमें से अपन हीट लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड पर देखोगे प्रोजेक्ट है, तो आप प्रोजेक्ट का आपका नाम डाल दीजिए कि आपको किस टाइप का, आपका कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप हीट लोड निकाल रहे हो। उसके नीचे है एड्रेस डाल दीजिए आप उसका, उसके नीचे स्पेस, आप किस पर्टिकुलर स्पेस के लिए हीट लोड निकाल रहे हो। फिर आप उसके आगे देखोगे फ्लोर लिखा रखा है, अगर आपका ग्राउंड फ्लोर तो आप ग्राउंड डाल दीजिए, और फिर फ्लोर एरिया है 220 स्क्वायर फीट, मैंने यहाँ पे फ्लोर एरिया डाल रखा है, यानी कि जो रूम है मेरा उसका एरिया 220 स्क्वायर फीट है। उसके आगे हाइट है रूम की, तो आप रूम की हाइट जितने फीट आप उतनी हाइट रूम की यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। फिर उसके बाद में है पीपल, आपके रूम में कितने पीपल है वो भी आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पे। फिर उसके नीचे है लाइट, आपके रूम में लाइट लोड आपको कितना रखना है, 0.6 वाट पर स्क्वायर फीट, मैंने यहाँ पे लाइट लोड की वैल्यू डाल रखी है। तो जनरली हम 1 वाट पर स्क्वायर फीट कंसिडर करते हैं, तो जो भी वैल्यू आपको डालनी हो आप पे आप डाल सकते हैं। फिर इसके नीचे हम देखेंगे कि डिज़ाइन कंडीशन दिखा रखी है समर के लिए, और डिज़ाइन कंडीशन नीचे उसके दिखा रखी है मानसून के लिए। तो समर के लिए जो आउटडोर कंडीशंस है, इंडोर कंडीशन है, और उनके बीच का डिफरेंस है, ये डाटा आप नॉर्मली अपने लोकेशन के हिसाब से ऐसे हैंडबुक से आप इजीली ले सकते हैं। फिर उसके बाद में है समर कंडीशंस के लिए डिज़ाइन कंडीशंस, तो वो भी आप अपने आउटडोर कंडीशन और इंडोर कंडीशन को ऐसे हैंडबुक के हिसाब से ले सकते हैं। अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए कि आपको टेबल बनी हुई दिख रही है, जिस टेबल में डाटा दिखा रखा है। तो फर्स्ट पॉइंट अपना सोलर गेन थ्रू ग्लास, तो इसके लिए आपका जिस डायरेक्शन में आपका ग्लास है डायरेक्ट एक्सपोज है एटमोसफेयर में, आप उस डायरेक्शन को चूज कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन चूज कर रखा, उसमें वैल्यू है 33 स्क्वायर फीट, तो जो ग्लास एक्सपोज है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उसका एरिया डाल दिया मैंने यहाँ पे 33 स्क्वायर फीट। उसके बाद में उसके आगे सन गेन है 123 BTU। ये डाटा भी आप ऐसे हैंडबुक से इजीली चूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है सन गेन के लिए। उसके बाद में वैल्यू आगे आप देखोगे फैक्टर है 0.56, तो नॉर्मली डायरेक्शन में अपनी वैल्यू है वो होती है 0.56, और इन सबको मल्टीप्लाई करने पे अपने पास इतनी वैल्यू इजीली आ जाएगी। ये यहाँ पे नॉर्मली मैंने फॉर्मूला सेट कर रखे हैं अलग अलग। फिर उसके बाद में नीचे आप देखोगे सोलर गेन थ्रू वॉल एंड रूफ, तो जो भी वॉल आपके डायरेक्टली एटमोसफेयर में एक्सपोज है या रूफ आपके एक्सपोज है, आप उसकी वैल्यू डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मैंने वॉल का एरिया डाल रखा है 143 स्क्वायर फीट, और उसके लिए सन गेन जो फैक्टर है वो है 25.7, और फैक्टर है हीट ट्रांसफर कोफिशियंट का वो है 0.12, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने पे 441 BTU आपके पास आ जाएगा। सेम वैसा ही नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी मैंने अलग अलग वैल्यूज डाल रखी है, इन सारी वैल्यूज को आप डाल दीजिए। उसके बाद में आपके नीचे आप देखोगे तो रूफ सन और रूफ इंसुलेटेड नाम से 2 पॉइंट दिखा रखे हैं। अगर आपके रूफ डायरेक्टली एटमोसफेयर में एक्सपोज है तो आप रूफ सन डाल दीजिए यहाँ पे, उसका एरिया डाल दीजिए, और रूफ इंसुलेटेड है तो यहाँ पे वो डाल दीजिए आप। फिर आप नीचे देखोगे ट्रांसमिशन गेल, तो इसमें ऑल ग्लास है फर्स्ट पॉइंट अपना, वो ऊपर से वैल्यू अपने आप यहाँ पे पिक कर रखी है। उसके बाद में है पार्टीशन, अगर आपकी कोई भी वॉल है जो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज नहीं है, मतलब दूसरी साइड पार्टीशन आ रहा है, दूसरी साइड रूम बना हुआ है, तो आप उसका एरिया यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे है 415.28 स्क्वायर फीट, वो एरिया आपने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद में ऑटोमेटिकली टेम्परेचर डिफरेंस है 30 डिग्री का, तो ये सारे फैक्टर डालने से अपने आप आगे की तरफ हीट लोड कैलकुलेट हो जाएगा इसका BTU में। फिर इसके नीचे है इनफिल्ट्रेशन, ये सारी वैल्यूज नॉर्मली स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो ऐसे हैंडबुक से आप इजीली चूज कर सकते हो। इसके बाद में जो पॉइंट है अपने इंटरनल हीट गेन, इसके बाद में जो दिखा रखे हैं पीपल, जो आपने ऊपर 9 पीपल डालोगे वहाँ से ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी। सेम लाइट आ जाएगी, सेम पावर आ जाएगा, अप्लाइंसेस आ जाएगा। अप्लाइंसेस मैंने डाल रखे 0.5 किलोवाट, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आपके रूम में है जिससे हीट जनरेट हो रही, तो आप उसके वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे। जैसे ही आप सारी वैल्यू डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली इस साइड में आपको एयर कंडीशन लोड दिखा देगा 1.91, ये है बेसिकली अपना समर के लिए। तो समर के लिए जो लोड आ रहा है अपना रूम का, वो आ रहा है 1.91, और सेम ही वैसे मानसून के लिए आ रहा है 1.7। उसके नीचे है डी ह्यूमिडिफाइड एयर यानी CFM, आपको पर्टिकुलर उस रूम के लिए कितना CFM चाहिए, तो उसकी वैल्यू अपने पास 744 समर के लिए और 507 मानसून कंडीशन के लिए। लेकिन जो येलो कलर में आप देख पा रहे हैं 1.91 और 744, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू है, तो अपने एयर कंडीशनिंग की साइज़ ये होनी चाहिए कि अपने को 1.91 टन का AC चाहिए, पर उसके CFM 744 होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से अपन AC को चूज कर सकते हैं।